मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू मैथ्स क्लास सिक्स, चैप्टर फाइव, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, पार्ट ट्वेल्व, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। टुडे वी विल लर्न अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स को हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं, इसके बारे में आइए जानते हैं स्टूडेंट्स। ट्रायंगल्स आर क्लासिफाइड इन टू डिफरेंट वेज। ट्रायंगल को टू डिफरेंट तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हैं, मतलब ट्रायंगल को आप टू डिफरेंट तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला, अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स, मीन्स कि ट्रायंगल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स, मतलब ट्रायंगल का साइड के साइज के आधार पर, मतलब साइड के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ट्रायंगल को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। और दूसरा, अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स, मीन्स कि ट्रायंगल्स के एंगल के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग भी ट्रायंगल को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स, मतलब अकॉर्डिंग टू साइड्स ट्रायंगल को कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू साइड्स मीन्स कि अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल इज ऑफ थ्री टाइप्स, मीन्स कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स अकॉर्डिंग टू साइड्स। तो अकॉर्डिंग टू साइड्स क्या होता है? पहला टाइप का ट्राइंगल स्टूडेंट्स एस्केलिन ट्राइंगल। फर्स्ट होता है एस्केलिन ट्राइंगल। अब देखिए एस्केलिन ट्राइंगल क्या होता है। अ ट्राइंगल इन विच ऑल द साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ इज नोन एज अस्केलिन ट्राइंगल। अस्केलिन ट्राइंगल क्या होता है स्टूडेंट्स? ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड जो होता है डिफरेंट लेंथ का होता है, उसको हम अस्केलिन ट्राइंगल बोलते हैं। जैसे सपोज ट्राइंगल ए बी सी, ए सपोज ए बी जो है आपका ये 5 सेंटीमीटर है और बी सी 6 सेंटीमीटर है और ए सी 7 सेंटीमीटर है। तो इसमें क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स? ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। तीनों साइड जो है इसमें डिफरेंट लेंथ का है। ए बी का लेंथ है 5 सेंटीमीटर, बी सी का लेंथ है 6 सेंटीमीटर और ए सी का लेंथ है 7 सेंटीमीटर। मीन्स कि तीनों साइड इक्वल नहीं है। तो इस टाइप के ट्रायंगल को आप क्या कह सकते हैं? अस्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। इसको कहते हैं अस्केलिन ट्रायंगल। मीन्स कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। अगर ऐसा है तो इस ट्रायंगल को अस्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। दूसरा टाइप का ट्रायंगल होता है स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आई एस ओ एस सी ई एल ई एस। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसो मीन्स होता है इक्वल, टू इक्वल साइड्स। अ ट्रायंगल हैविंग टू इक्वल साइड्स इज नोन एज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल को आप कैसे बना सकते हैं स्टूडेंट? देखिए एक ट्रायंगल है इस टाइप का, मान लीजिए कि ये ट्रायंगल है डी ई एफ, इसका नेम है। अगर इसमें डी ई और ई एफ इक्वल साइड्स है, देखिए डी ई एफ एक ट्रायंगल है जिसमें डी ई इक्वल टू डी एफ है। सपोज डी ई इक्वल टू आपका 4 सेंटीमीटर है और डी एफ इक्वल टू भी 4 सेंटीमीटर है और ई एफ कितना भी है 5 सेंटीमीटर है, इससे डिफरेंट है। तो इसमें क्या हो गया कि डी ई और डी एफ इक्वल हो गया, 4 सेंटीमीटर का हो गया, टू साइड्स इक्वल हो गया। तो इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, मीन्स कि ट्रायंगल हैविंग टू इक्वल साइड्स आर कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। इन दिस ट्रायंगल आप कह सकते हैं कि डी ई इक्वल टू डी एफ, इसलिए ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल का एग्जांपल। कोई भी दो साइड इक्वल हो सकता है।
उसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब थर्ड टाइप ऑफ ट्राइंगल क्या होता है स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू साइड्स, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल, अब इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है स्टूडेंट्स, इक्विलैटरल मीन्स होता है इक्वल साइड्स, मीन्स कि ट्राइंगल हैविंग ऑल थ्री साइड्स इक्वल। अब अगर कोई ऐसा ट्राइंगल है जिसमें तीनों साइड इक्वल है, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, जैसे ये ट्राइंगल है एक्स वाई जेड इसका नेम है, तीनों साइड्स इक्वल है, एक्स वाई इक्वल टू वाई जेड इक्वल टू अगर एक्स जेड है तो इसको हम कह सकते हैं ट्राइंगल जो है इक्विलैटरल ट्राइंगल है। जैसे अगर ये 3 सेंटीमीटर है एक्स वाई, वाई जेड भी 3 सेंटीमीटर है और एक्स जेड भी 3 सेंटीमीटर है। इफ द मेजरमेंट ऑफ ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल देन अ ट्राइंगल इज नोन एज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल मीन्स हैविंग इक्वल साइड्स। तो आप डिफाइन कर सकते हैं ट्राइंगल हैविंग ऑल थ्री साइड्स इक्वल इज नोन एज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। इन दिस ट्राइंगल यू कैन से डैट एक्स वाई इक्वल टू वाई जेड इक्वल टू एक्स जेड, मीन्स कि तीनों साइड आपका इक्वल है, इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, इसलिए ये इक्विलैटरल ट्राइंगल हुआ। अब आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स, मीन्स कि अकॉर्डिंग टू एंगल्स देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। According to sides, there are three types of triangle. According to angle also, there are three types of triangle. Means कि total 6 types of triangles are there. According to angles, क्या होता है students? First type triangle का होता है acute angled triangle. Acute angled triangle क्या होता है अब देखिए. Acute means क्या होता है? Angles less than 90 degree. आप angles में पढ़ें, आपको पढ़ाएं. अक्यूट एंगल मीन्स होता है एंगल विच इज लेस देन 90 degree एंड ग्रेटर देन 0 degree आर कॉल्ड अक्यूट एंगल। तब अक्यूट एंगल ट्राइंगल्स क्या होगा स्टूडेंट्स, ट्राइंगल इन विच ऑल थ्री एंगल्स आर अक्यूट, क्योंकि ट्राइंगल में 3 angles होता है, देखिए ये एंगल है, ये एंगल है और ये एंगल है। ये ट्राइंगल अगर ABC है तो ABC को क्या बोलेंगे, अक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल बोलेंगे। सपोज ये 50 degree है ये एंगल, ये 60 degree का एंगल है और ये 70 degree का एंगल है, लेकिन ये तीनों एंगल क्या है आपको, अक्यूट है। ये भी 90 degree से कम है 70 degree, एंगल B भी 50 degree 90 से कम है, ये भी अक्यूट है, और एंगल C 60 degree ये भी अक्यूट एंगल है। तो ट्राइंगल इन विच ऑल 3 angles आर अक्यूट आर कॉल्ड अक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल्स, मतलब ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 degree। तो इस टाइप के एंगल को, मतलब इसमें एंगल के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, इसमें साइड से आपको कोई मतलब नहीं है, साइड का लेंथ अगर नहीं दिया हुआ, एंगल्स दिया हुआ है, कोई भी 2 angles दिया होगा तो आप ट्राइंगल को पहचान सकते हैं कि अक्यूट एंगल है ट्राइंगल है या अक्यूट एंगल ट्राइंगल नहीं है। दूसरा टाइप का ट्राइंगल होता है राइट एंगल ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू एंगल्स, दूसरा होता है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब देखिए जैसा कि नाम ही से पता चल रहा है राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, राइट एंगल मतलब ट्राइंगल इन विच 1 angle इज 90 degree। राइट एंगल मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, 90 degree का एंगल। तो ये देखिए DEF ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल DEF इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल बिकॉज 1 angle इज राइट एंगल। अ ट्राइंगल हैज ओनली 1 right angle, अ ट्राइंगल कैन हैव ओनली 1 right angle। किसी भी ट्राइंगल में एक ही एंगल 90 degree हो सकता है, एक से ज़्यादा एंगल तो 90 degree हो नहीं सकता है, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है 180 degree होता है। सम ऑफ ऑल 3 angles ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 degree। सो ओनली 1 angle कैन हैव 90 degree। सो ट्राइंगल DEF इज अ राइट एंगल ट्राइंगल बिकॉज 1 angle इज 90 degree।
इजी है 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल को भी पहचानना, तो एंगल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल का नेम दिया गया है। और थर्ड होता है, थर्ड टाइप का ट्रायंगल होता है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है स्टूडेंट, जैसा कि नाम ही से पता है, ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज ऑब्ट्यूज, इस टाइप का ट्रायंगल। अब देखिए इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल एक्स वाई जेड है ये, इसका नेम, ये एंगल वाई क्या है, इस ऑब्ट्यूज एंगल है, ये 90 डिग्री से तो बड़ा है। ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहते हैं, एंगल हैविंग ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री से तो बड़ा है, 90 डिग्री तो परपेंडिकुलर होता है स्टूडेंट्स, ये थोड़ा ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये 100, मान लीजिए 100 डिग्री का एंगल हो सकता है या 110 डिग्री का एंगल हो सकता है, लेकिन ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री से बड़ा है, इसका मतलब ये राइट एंगल से बड़ा है, मीन्स कि ये ऑब्ट्यूज एंगल है। और एक ट्रायंगल में कितना ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है, वन एंड ओनली वन एंगल कैन बी ऑब्ट्यूज, बिकॉज थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल एड्स अप टू 180 डिग्री, तो वन से ज़्यादा ऑब्ट्यूज एंगल तो हो ही नहीं सकता है, वन से ज़्यादा राइट एंगल भी नहीं हो सकता है, तो वन से ज़्यादा ऑब्ट्यूज एंगल तो हो ही नहीं सकता। अगर एक एंगल ऑब्ट्यूज है किसी भी ट्रायंगल का, तो बाकी दोनों एंगल क्या होगा, अक्यूट होगा, 90 से छोटा होगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल किसको कहेंगे स्टूडेंट्स, अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज ऑब्ट्यूज मीन्स की ग्रेटर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो एक्स बाय जेड जो है आपका ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल है, मीन्स की एंगल एक्स वाई जेड इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल है। तो इस तरीके से आप क्या देखें स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू साइड्स देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल एंड अकॉर्डिंग टू एंगल्स देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, सो इन टोटल देर आर सिक्स टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, थ्री अकॉर्डिंग टू साइड्स एंड थ्री अकॉर्डिंग टू एंगल्स। एक बार रिवाइज कर लेते हैं डेफिनेशन स्टूडेंट्स, प्रॉपर डेफिनेशंस अगर लिखना होगा तो एक जल्दी से एक बार रिवाइज कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू साइड्स देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, नंबर वन अ स्केलिन ट्रायंगल, अ ट्रायंगल इन विच ऑल द साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ इज नोन एज अ स्केलिन ट्रायंगल, नंबर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, अ ट्रायंगल हैविंग टू इक्वल साइड्स इज नोन एज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंड नंबर थ्री इक्विलैटरल ट्रायंगल, अ ट्रायंगल हैविंग ऑल थ्री साइड्स इक्वल इज नोन एज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। एंड अकॉर्डिंग टू एंगल्स देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, नंबर वन अक्यूट एंगल ट्रायंगल, अ ट्रायंगल हैविंग ऑल अक्यूट एंगल्स इज नोन एज एन अक्यूट एंगल ट्रायंगल, और एन अक्यूट ट्रायंगल, एंड नंबर टू राइट एंगल ट्रायंगल, अ ट्रायंगल हैविंग वन ऑफ इट्स एंगल्स एज राइट एंगल इज नोन एज अ राइट एंगल ट्रायंगल, और सिंपली वी से अ राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल इज ऑल्सो कॉल्ड राइट ट्रायंगल, ओके। एंड थर्ड वन इज ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, अ ट्रायंगल हैविंग वन ऑफ इट्स एंगल्स एज ऑब्ट्यूज एंगल इज नोन एज एन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, और सिंपली एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल को सिंपली शॉर्ट में हम लोग ऑब्ट्यूज ट्रायंगल भी सीधे बोलते हैं, अक्यूट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज ट्रायंगल शॉर्ट में बोलते हैं, अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल को अक्यूट ट्रायंगल्स भी बोलते हैं। तो इस तरीके से ये सिक्स टाइप्स का ट्रायंगल हो गया स्टूडेंट्स, तीनों और सिक्स का डेफिनेशंस आप यहां से लिख करके लर्न कर सकते हैं और देख के बता सकते हैं आप एंगल को, उसके साइड्स को या उसके एंगल्स को, कि किस टाइप का ट्रायंगल है। कोई कोई ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड्स और अकॉर्डिंग टू एंगल्स दोनों तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं किसी भी ट्रायंगल को, जैसे एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल भी होता है। अगर कोई राइट ट्रायंगल है आपका, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और अगर इसमें राइट एंगल बनाने वाला साइड इक्वल हो जाए, ए बी इक्वल टू बी सी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो जाएगा, दो साइड इक्वल होगा तो अकॉर्डिंग टू साइड्स, और राइट ट्रायंगल है तो अकॉर्डिंग टू एंगल ए राइट एंगल ट्रायंगल भी हो जाएगा। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल भी इसको कहेंगे, अगर राइट ट्रायंगल का राइट एंगल बनाने वाला साइड्स इक्वल हो जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में हम लोग
दूसरे टॉपिक को देखेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और वीडियो सीरीज अगर अच्छा लग रहा है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।